बलरामपुर जिले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां साल 2019 में शवदाह स्थल बनाया गया था, जो बीती रात तेज आंधी और बारिश के बीच ढह गया है। सुबह होते ही ठेकेदार और नगर पालिका परिषद में हड़कंप मच गया। हालांकि आनन फानन में संबंधित ठेकेदार द्वारा उसका पुनर्निर्माण भी शुरू करा दिया गया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। पूरे मामले पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह ने कहा है कि नगर पालिका परिषद के तहत इस शवदाह स्थल का निर्माण कराया गया था। इसमें करीब 33 लाख रुपए की लागत आई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आंधी और बारिश के बीच यह पूर्ण रूप से ढह गया है, उसको पता चलता है कि रुपयों की बंदर बांट की गई थी। उन्होंने कहा जिलाधिकारी को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप लोगों के माध्यम से ही जो संज्ञान में आया है और ईओ को निर्देशित किया गया है कि जो है उसकी जाँच करा लें अपने केयर के पर, और कोई तकनीकी कमी कोई हो तो उसमें जो है जो भी कार्रवाई होती है उसको रिपोर्ट करें उसके खिलाफ। अच्छा, तीन साल पहले बना था उसमें सरिया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।